कर्जा माफ करो, माफ करो, अपील करो, किसानों का कर्जा माफ करो। पड़ा बोलना पड़ा कि इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, पर कमल पटेल के पास जवाब नहीं था। पूरा शिवराज का महिमा मंडन करते हुए किसानों को धोखे में रखने का आज जो षड्यंत्र उन्होंने कहा करा है, हमने कहा कि तुम्हारा भावांतर का पैसा आज तक नहीं आया, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हो। कमलनाथ जी की सरकार के समय इतनी बम्पर पैदावार हुई गेहूं की, और कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने जाते हैं माननीय शिवराज चौहान। किसान मेहनत करता है, पसीना टपका के अन्न पैदा करता है, वो कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने जाते हैं माननीय शिवराज चौहान। हमने कहा कमल पटेल जी, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, कांग्रेस की सरकार की अच्छी योजना थी, 11,500 करोड़ रुपये हमने माफ़ किया, बचे हुए किसानों का आप कर्जा माफ़ करिए। लेकिन पूरे भाषण में उनका किसानों के कर्जा माफ़ी का एक शब्द भी नहीं आया, इसलिए कांग्रेस दल को आज बहिर्गमन करना पड़ा ताकि किसानों का नैतिक साहस बना रहे और ये 3 कृषि काले कानून जो मोदी लाए हैं ये वापस लिए जाए।